नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी टीवी। आपके साथ मैं हूं कुसुम दुबे। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? अब बॉलीवुड की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी स्टार वार छिड़ चुका है। पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद, अब उसके बाद खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का जो विवाद है वो चरम पर है। काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके बाद अब खेसारी लाल यादव भी अपने फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और उनका कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग उन्हें सुशांत बनाना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं और जितने का मेरी जनता ही है जो मुझे प्यार करती है, और दिल से प्रणाम आप सबको कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, और दुनिया नहीं हो सकती मेरे खिलाफ। मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत दूसरा बनाने जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। जितनी सपोर्ट हिंदी इंडस्ट्री से सुशांत सिंह राजपूत को मिला था, वही भर भर के प्यार मुझे पूरी इंडस्ट्री देने की कोशिश में लग गई है। अच्छी बात है, लेकिन मैं उतना कमजोर हूं नहीं, क्योंकि मेरे पास आप सबकी मोहब्बत है। आजकल मेरा नाम कोरोना पॉजिटिव की तरह हो गया है। अगर करो गलती से कोई नाम मेरा ले भी लिया तो पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है। लोग इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग नाम लेते ही उनको भी इतनी मिर्ची लगने लगती है। बट कोई नहीं, ठीक है। मैं सुशांत सिंह राजपूत के गांव से हूं जरूर, उस बिहार से हूं जरूर, उस पटना से जरूर हूं, छपरा से हूं, एक बिहारी हूं, बट मैं कमजोर नहीं, क्योंकि आज पूरी हिंदुस्तान की जनता, जो लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत में हूं मैं। इन भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे बारे में सोचते ही नहीं। और अच्छी बात है, अब हमेशा बढ़िए, हम सबके लिए दुआएं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूं, 2011 से जब से मैं आया हूं, सबको कांटों की तरह चुभने लगा मैं। पता नहीं क्यों यार, आखिर मैं ज्यादा वर्क करता हूं इसलिए चुभता हूं, ज्यादा मेरे गाने बजते हैं इसलिए चुभता हूं, ज्यादा फिल्में मेरी चलती है इसलिए चुभता हूं, मैंने अपने औकात से ज्यादा प्रॉपर्टी कर ली इसलिए चुभता हूं, मैं गरीबों की सेवा में रहता हूं हमेशा इसलिए चुभता हूं, लोगों को गोद लेता हूं इसलिए चुभता हूं। आखिर कारण क्या है ऐसा? तो मैं आपको चुभाने के लिए कोई काम ही नहीं करता जिससे आपको तकलीफ हो, बट आप सबको प्रॉब्लम क्या है भाई मेरे से? पूरी इंडस्ट्री को जब से मेरा नाम आता है एकदम कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूं मैं, लेकिन आपको पता नहीं है पूरे हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन हूं मैं, और आप सबके लिए तो ज्यादा वैक्सीन हूं मैं। आप सबको क्या बोलूं मैं, जो भी मेरे बारे में बोलता है अलग ही बोलता है। मैंने खेसारी क्या कर दिया है यार आप सबको? ओह गॉड। बट कोई नहीं, आप मुझे सुशांत सिंह राजपूत की तरफ लेकर जाइए, आप कोशिश करिए कि हम भी कुछ कर जाएं। बट ऐसा करूंगा नहीं मैं। हेलो, पैसे से अगर स्टार्टअप मिलती होती है ना, पैसे से सामान खरीद सकते हैं आप, सम्मान नहीं। आपके पास पैसे बहुत होंगे, आप सबके पास पैसे बहुत हैं, नो डाउट, ईश्वर करे और बढ़ जाए, बट आप पैसे से सामान खरीद सकते हैं, सम्मान नहीं और स्टार्टअप नहीं। आप जिसको बढ़ाना चाहते हैं, जहां बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा कर देखिए। मैं भी आपके सामने ही हूं और आप सबके सामने हूं, मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी और हमें खुशी होगी कि हमारी इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री, सारी भोजपुरी इंडस्ट्री मिलकर एक को दबाना चाहती है, और वो है जो दबने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास मेरे जीवन में किसी का योगदान नहीं है,
सहयोग है। अगर योगदान है तो मेरे जीवन में सिर्फ मेरे जनता का है, रिपब्लिक का है, उसके दम पे मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और उनके दम पे ही कुछ बोलने की ताकत भी रखता हूँ। खेसारी लाल यादव के लिए पूरे बिहार बंद हो जाता है, ये लोगों का सम्मान ही तो है। तो जो करोड़ों के दिल में घूम रहा है, जो अरबों 70-80 करोड़ जनता के दिल में बसा हुआ है, जिसके लिए बिहार बंद हो जाता है, उसके लिए आपकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपकी अहमियत मेरे जीवन में नहीं है। आप लोग जो सोच रहे हैं ना, कुछ लोग, आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरे लिए। तो प्लीज अब ये बयानबाजी बंद कर दो। आप लोग आप करके दिखाओ, मुझे कोई परवाह नहीं होगा। आप अपनी जुबान से बोल के ऐसा क्या दिखाना चाहते हो? मैं गरीब का बेटा हूं यार, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्ट्रगल करके आया हूं, मैं लिट्टी बेचा हूं, मैं दूध बेचा हूं, इसीलिए गरीबों के दर्द में रहता हूं, इसीलिए उनकी तकलीफों में रहता हूं मैं। हाँ, मेरी पब्लिसिटी, पब्लिक बढ़ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, ज्यादा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, अच्छी सिनेमा कर देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। संघर्ष में मेरी कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसके बाद कोई हिट सिनेमा बन जाती तो शायद मुझे भी अच्छा लगता। कि संघर्ष के बाद अगर कोई सुपर हिट मूवी बन जाती ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि हाँ यार, खेसारी के बाद ये करके दिखाया। तो जुबानी लड़ाई बंद करिए, काम करिए ना, थोड़ा सा फोकस कर दीजिए काम पे। मुझे लगता है जो काम पे फोकस करेंगे तो ज्यादा, आजकल हर आदमी के इंटरव्यू में खेसारी ही नजर आता है। मैं जहां नहीं भी रहता हूं वहां भी मैं ही रहता हूं। क्यों भाई, आपके पास अपना कोई काम नहीं है? अपना कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? आप लोगों के पास कुछ अपना है कि नहीं खेसारी के अलावा? तो प्लीज आप सब मेरे बड़े सम्मानित लोग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह है। किसी एक छोटे से बच्चे को, किसी गरीब के बेटे को आप पूरी इंडस्ट्री इतना मत सता दो कि आदमी आत्महत्या कर ले। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के साथ हिंदी के लोगों ने किया, वही काम अब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के साथ शुरू हो गया। क्यों भाई, मेरे गाना ज्यादा चल रहे हैं तो मैं पब्लिक को कैसे रोकूं यार? मेरी इसमें क्या गलती है? मैं पब्लिक को कैसे रोक सकता हूं? उनको मैं पसंद हूं, उनके दिल पे राज करता हूं, क्योंकि मैं उनके गोद में बैठता हूं। पैसे से स्टार्डम कमाने का शौक मुझे नहीं है, मैं मेहनत करके अपना जीवन चलाता हूँ, 22 घंटा काम करता हूँ। क्या आप लोग नहीं जानते हैं? क्या ये पूरी इंडस्ट्री नहीं जानती है? क्या मुझे मैच करने के लिए ना 7 जन्म लेना पड़ेगा कुछ लोगों को, चाहे वो अपने आप को कुछ भी बोलते हो, मुझे मैच करके दिखाओ ना। आज तकलीफ हुई मुझे इस बात से, मैं गुस्सा, हम ना होके ले गुस्सा भाई, गुस्सा होके कोनो कारण नहीं खेजे गुस्सा होके। बट सारे के सारे एक मिनट में भाई, सारे के सारे पीछे ही पड़ गए यार मेरे। क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का यार? रहने तो हो गया ना। आप बहुत ही बड़े हो, आप बहुत ही बड़े एक्टर हो, बहुत ही बड़े एक्ट्रेस हो, बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हो, बहुत ही बड़े कलाकार हो, चाहे बहुत ही बड़े गायक हो, तो भाई अपना काम करो ना यार, बड़ा बन के दिखाओ ना, काम से बन के दिखाओ। क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार सबके सब? आत्महत्या कराना चाहते हो क्या मुझसे? सब सारी एक आदमी सपोर्ट में खेसारी के खड़ा नहीं होता है, और चाहे मेरी गाना हो चाहे मेरी मूवी, और कोई बोलता तक नहीं है। क्यों मत बोलो, मुझे तुमसे नहीं चाहिए, ये भीख में नहीं चाहिए मुझे, ये उम्मीद में लगा के पूरी इंडस्ट्री से ही लगा के नहीं बैठा हूं। मुझे पूरी इंडस्ट्री अगर दरकिनार कर दे, छोड़ देना, तो मैं जनता के चंदे के पैसा से अपने आप को साबित कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर करने की पावर है और क्षमता है और ताकत है। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब मत बोलिए आप लोग मेरे बारे में। आपके बोलने से फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे प्यार करता हूं, सबके प्यार करता हूं, सबके लिए मैंने किया है। जो बोल दे कि मैंने नहीं किया है तो बता दे मुझे, सबके लिए मैंने जितना सोचना था सोचा है, तो कम से कम प्यार ही तो चाहता हूं आप सबकी। प्लीज मोहब्बत करिए मुझसे, मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना आपके दिल और दिमाग में चल रहा है। प्लीज आपकी कंपनी है, भगवान करे भाई मेरे जितने भी फैन है इनको सब्सक्राइब करो तुम लोग यार, ताकि और बड़ी हो जाए कंपनी। जो भाई एक्टर हैं उनको और सब्सक्राइब करो कि मेरे से ज्यादा व्यूवर लाए। जो एक्ट्रेस है उनको बहुत प्यार दो यार, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, सब लोग प्यार करो, सबको प्यार करो, सबको हक है। हम कलाकारों का अस्तित्व आप सबसे है। मेरे जीवन में योगदान अगर है तो सबसे ज्यादा योगदान है तो मेरे जनता का है, मेरे भगवान का है। क्योंकि पैसे से मूर्ति बन सक, पैसे से मंदिर बनता है सर,
पैसे से, मैं पूरी इंडस्ट्री को बता रहा हूँ, पैसे से ना मंदिर बनता है, लेकिन भगवान श्रद्धा और लगन से आते हैं आपके पास। तो श्रद्धा करिए ना, तपस्या करिए, पैसे के अहंकार को हटा दीजिए। अच्छे अच्छे लोगों को डूबते हुए देखा हूं, तो सब लोग को मैं बोलता हूँ यार, पूरी इंडस्ट्री से हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मेरे पीछे मत पड़ो, मैं जनता का गोद में बैठा हुआ हूँ। पढ़ोगे तुम लोग खुद ही खत्म हो जाओगे यार, क्योंकि भगवान के गोद में अगर कोई भक्त बैठा हो और उसको छेड़ने का मतलब जो अपनी मौत को क्या बोलते हैं यार, मौत को आवाज देना। रिक्वेस्ट करता हूं यार, दूसरा सुशांत मत बनाओ मुझे, सारे के सारे एकदम पीछे ही पड़ गए हो यार, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, छोड़ दूं इंडस्ट्री, घर चला जाऊं, चाहते हो फिर से लिट्टी बेचूं मैं, बट ऐसा करूंगा नहीं, मैं उतना कमजोर नहीं हूं, मेरे पीछे ये 70 करोड़ जनता है, आप समझ सकते हो, सबको सम्मान कर रहा हूं जो भी मेरे इससे जुड़े हुए हैं लाइव से, दिल से प्रणाम। और ठीक है, होता है, लव यू ऑल, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया होगा तो सॉरी, माफ करना, मेरा दुखाना मतलब नहीं था, बट जिस हिसाब से मेरे पीछे साजिश से चल रही है, लोग मेरा नाम तक लेने से, बाप रे बाप, कोरोना पॉजिटिव हूं मैं, अरे यार मैं पूरी जनता के लिए वैक्सीन हूं, उनके दिल का राजा हूं, उनका बेटा हूं, प्लीज ऐसा मत करिए, लव यू, प्लीज सॉरी, माफ करिएगा हमारे दिग्गज लोग, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री माफ करिए मुझे, अगर किसी के बारे में मैंने गलत बोल दिया हो तो, लव यू ऑल।